हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फूड चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन को भी ऑल पे हिट कर दीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, और पैन में हमने डाला है आधा कप दूध। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 कप घी, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। हम जितना भी दूध लेते हैं उसका आधा क्वांटिटी हम घी लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे डाला है मिल्क पाउडर, क्योंकि हम बिना मावे के बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसका भी रेशियो दूध के अकॉर्डिंग डालते हैं। अगर हम आधा कप दूध लेते हैं तो 3 गुना मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, मतलब 1.5 कप मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने पैन को गैस पे नहीं रखा है, बिना गैस पे रखे ही हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और जब ये पूरा मिक्स हो गया तो मैंने अभी इसे गैस पे रख दिया है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल मतलब स्लो फ्लेम पे हमें इसको चलाते रहना है कंटिन्यूस, जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता है। मैं इसे कंटिन्यूसली तकरीबन 5 से 7 मिनट चलाया था, और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा मावा जैसा बन चुका है। और अब हम इसे एक सेपरेट से प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए अब ये ठंडा हो चुका है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदा और 3/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। तो मैंने मैदा डाल दिया है और ये 3/4 टेबलस्पून हमारा बेकिंग पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल, और डो बना देंगे इसका। और डो बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अराउंड 3 टेबलस्पून वाटर। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें डालिए 3 टेबलस्पून वाटर, ज़्यादा पानी ना मिलाएं, और इस तरीके से इसको अच्छे से, मतलब जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे इसको गूंद लीजिए। देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया है आटा हमारा। और अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसको करना होता है, हमें इसे बहुत अच्छे से मसलना होता है, जिसे बोलते हैं मथना बोलते हैं जिसे। देखो हमें कुछ इस तरीके से मसलना होगा, हाँ इस वाले हिस्से से मसलना है, और इसको बहुत ही अच्छे से हमें बार बार प्रेस करना है। अराउंड हमें ये प्रोसीजर करना होगा 5 से 7 मिनट के लिए, तब ये बहुत ही अच्छा डो बनेगा और हमारे जो गुलाब जामुन बनेंगे वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और इसी वजह से सॉफ्ट बनने की वजह से ही उसमें अच्छे से जूस, मतलब जो हमारी चाशनी होगी वो अंदर तक जा पाएगी। देखिए बन चुका है हमारा डो, तैयार हो चुका है, और मैंने इसे सेपरेट पोर्शंस निकाल के इनका गोला बना लिया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया था और 1 कप ही मैंने उसमें पानी डाल दिया, और हमें आधी तार की चाशनी बनानी है, मतलब आधा तार भी ना हो, आधे तार के अराउंड हमारे चाशनी बननी चाहिए। और इसे हम एक बार अच्छे से बॉईल करके ढक के रख देंगे, और इसमें हम इलायची भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे तलने के लिए लिया है लोहे की कढ़ाई, और जो हमारा तेल मैंने डाला है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको बहुत तेज़ गर्म करके इसमें हमारे जो बॉल्स हैं गुलाब जामुन के, जो बॉल्स हमने बनाई वो नहीं डालनी है। ऐसा होना चाहिए तेल कि आपकी उंगली भी डल जाए, मतलब आपकी उंगली भी उस तेल को सहन कर सके, उस टाइम आपको गुलाब जामुन अपनी कढ़ाई में डालने हैं। और इसी ही फ्लेम पे, इस मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही आपको गुलाब जामुन पकाने हैं, और बिल्कुल जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो उसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल में जब आप गुलाब जामुन डालोगे बॉईल कर तलने के लिए, तो वो जो ऑयल है तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली उसमें अच्छे से, मतलब आपकी उंगली को वो तेल सहन हो जाए, इतना गर्म हो। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और अब मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे ही आप इसे चाशनी में डालेंगे आपको इन सब को स्पून से अंदर डुबोना है। अगर आपने ऐसे नहीं डुबोया जैसे मैं दिखा रही हूँ, बार बार प्रेस नहीं किया इनको चाशनी में, तो ये बाद में चाशनी नहीं पियेंगे, बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, और अंदर से बहुत टाइट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप तुरंत इसमें चाशनी में डालते हैं इन्हें,
तुरंत ही इन्हें दबाइए, बार बार प्रेस कीजिए स्पून से ताकि ये चाशनी पी लें। अब देखो पहले वाले जो डाले थे वो तो बिल्कुल दब चुके हैं चाशनी में, और जो मैंने अभी डाले हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो अच्छे से आपको इसे प्रेस करना है ताकि चाशनी में ये अच्छे से डूब जाए और ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। अब मैंने इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी में डूबे रहने दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब कर ली थी। देखिए ये कितना अच्छा मतलब बना है, एकदम जूसी दिख रहा है। इतने चाशनी अंदर बहुत अच्छे से जा चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इसी तरह और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे हिट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।